सबसे पहले राम राम सलाम सत श्री अकाल, दिस इज़ योर राजा सगु। आज मेरा गाना लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पे, तो द खान सॉन्ग जो कि क्योंकि इसको लॉन्च कर रही है बहुत ही बड़े तरीके से, और इसकी खासियत यह है कि बहुत सारे खान की वॉइस में ये गाया हुआ है, तो साथ में ये इसका एक्चुअली खान के स्टाइल में किया हुआ, अलग अलग खान के स्टाइल में। जी, जैसे अभी देखा हमने, आपने परफॉर्म भी किया सलमान शाहरुख और आमिर सभी को आपने पीछे छोड़ दिया, क्या बात है, कहाँ से ये हुनर आपने कहाँ से सीखा? पीछे नहीं छोड़ा मैंने, ऑलरेडी आ गए हैं। ये हुनर गॉड गिफ्ट है, चेहरा बनाना है। वैसे मिमिक्री बहुत सारे दोस्त करते हैं, लेकिन मेरा एक खासियत ये है कि मैं खासियत के साथ ये है कि मैं चेहरा बना लेता हूँ आवाज़ के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आवाज़ें निकालते हैं, कम से कम 100 आवाज़ें निकालते होंगे, 100 वॉइस निकालते होंगे, लेकिन मैं कोशिश यही रहती कि मेरी इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर बनूँ और अच्छे अच्छे चेहरे बनाऊँ और सबको एक अलग सा इंटरटेन करूँ। सर, जहाँ तक गाने की बात करें, तो हमने देखा कि फिल्म के टाइटल के ऊपर गाना बनाएंगे, तो आप बता सकते हैं कितना वक्त लगेगा गाने बनाने में, कितने फिल्मों का नाम यूज़ किया गया गाने में? हाँ, इस फिल्म में इस गाने में जैसे हमने स्टाइल लिया या फिर अंतरा है, उसमें हर एक लाइन में एक या दो फिल्मों के नाम हैं। जैसे सलमान का एक पोर्शन जैसे मैं आपको गा के सुनाता हूँ। पहले मैंने प्यार किया था, बागी दिल तेरे नाम किया था, हर दिल जो यूं प्यार करेगा दुनिया से फिर क्यों डरेगा, वांटेड हो गया तेरा यार, दबंग सज्जन तेरा बॉडीगार्ड, तेरी नो एंट्री में करके भूल सनम बेवफा पत्थर के फूल, अंदाज अपना अपना है जब प्यार किसी से होता है, मैंने प्यार क्यों किया क्योंकि जानम तुम समझा करो, कब से खड़ा हूँ रेडी पार्टनर, सलाम में इश्क तो किया करो, डांस लाइक ए सुपरस्टार। तो खान के जितने फैंस सोनियो कर लो सारे डांस। हमने आपको सलमान के रोल में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सैफ अली खान को नया एक्ट है, तो मुश्किल किसमें आई सैफ अली खान आमिर खान, और सबसे मुश्किल किसमें लगा, किसका एक्ट करना सबसे मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, जो निकल जाता है वो मुश्किल है, जो नहीं निकलता ना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो जो निकला है वो तो आपके सामने डेफिनेटली अभी रिलीज हो जाएगा थोड़ी देर में, तो सब देख सकते हैं यूट्यूब में। इसमें सैफ अली खान का भी एक अलग सा पार्ट है जो मैंने यूज़ किया, उसमें भी सारी फिल्मों के नाम हैं। जैसे सैफ अली खान का, दिल का चोर तू मैं सिपाही, वर्ल्ड राजा हूँ मैं अनाड़ी, मैं आशिक अवारा बेबे, कल सलाम नमस्ते बेबे, लव आज कल वाओ क्या कहना, लव के लिए कुछ भी कहेगा, रहना है तेरे दिल में, कुर्बान हुए अब हम तुम बे, वाओ वाओ वाओ। हो खान के जितने फैन सोनियो कल्लो सारे डांस, हो खान के जितने फैन सोनियो कल्लो सारे डांस, खान के जितने फैन सोनियो कर लो सारे डांस। सो ये डांसिंग नंबर भी है या प्लीज ट्वीट भी कर दिया है, अभी थोड़ी देर के बाद ये भी ट्वीट करेंगे कि कमाल का गाना है यार। सबसे पहले मैं पहला खान हूँ जिसने ट्वीट किया है, तो सलमान भाई भी इसको ट्वीट करने वाले हैं, और वैसे हमारे मिक्का बाज भी इसको कब से मैं ये कहूँगा कि वो भी मेरी बात हुई है तो वो भी ट्वीट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे रिलेशन के साथ वो भी अच्छे तरीके से ये प्रमोट होने वाला गाना है और सबको पसंद आ रहा है। आपने देखा ये गाना, सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लगा? क्योंकि हमेशा मीडिया सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा लगा आपको? अरे क्या बात कर रहे हो यार, सच में अला उतरी। अच्छा, आमिर खान अच्छा लगा या सलमान खान या सब अच्छे लगे? तो थैंक यू सो मच आपने ये कहा। इसके बाद शाहरुख खान आते हो, शाहरुख खान का एक अलग सा स्टाइल है, जैसे कि उसका भी एक अंतरा है जिसमें उनकी सारी फिल्मों के नाम प्रोए हैं। उनका है दीवाना हूँ ना डर क्योंकि यार तेरा है बाजीगर, जब तक है जाओ माई नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम, कभी हाँ कभी ना, अरे मैं हूँ ना यार, दिल तो पागल है सोनी, साड़ी रब ने बना दी जोड़ी, चेन्नई एक्सप्रेस में हम दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, चलते चलते प्रदेश में हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, ओ खान के जितने फैन सोनियो कल्लो सारे डांस। सो डांस, जितने भी खान के फैन है वो इस गाने में डांस करेंगे, ये डेफिनेटली मेरे पक्का पता है मुझे। जी जी, राजा सगु की बात करें तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राजा सगु की और कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में। अभी जस्ट रिसेंटली मेरा गाना रिलीज़ हुआ है बाबरी पूछ, जो थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क जो फिल्म थी उसमें मैंने बाबरी पूछ करके गाना गाया, तो वो काफ़ी फेमस हो गया है।
और आने वाले प्रोजेक्ट में मैं इसी साल मेरे 2 गाने रिलीज हो जाएंगे और मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कंपनी के साथ जुड़ना, इनके साथ मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ और इस गाने का म्यूज़िक जो किया हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर अस्क अश नहीं अक्स अक्स डीजे अक्स सो जो इस गाने का जिसने म्यूज़िक दिया और डीजे अक्स जो है प्यारे दोस्त हैं वो अभी फ़िलहाल यानी दुबई में डीजे प्ले कर रहे हैं, कुछ कृष्णा म्यूज़िक कर रहे हैं, उनको बुलाया है तो देखो जल्दी उनके साथ भी सिटिंग होगी तो डेफिनेटली हम उनके साथ भी नेक्स्ट जो है सॉन्ग जल्दी रेडी करेंगे। और आने वाले प्रोजेक्ट जैसे मैंने आईफा अवार्ड किया, आई एम अ विनर ऑफ कॉमेडी सर्कस 2020 विद निगार खान, वो जीत चुका हूँ, बहुत सारे शोज़ मैंने ऐसे विन किए हैं जो अभी आप YouTube में भी देख सकते हो, क्योंकि TV में तो निकल जाता है बाद में YouTube में नज़र आता है, तो YouTube मैं कहता हूँ TV से भी सबसे बड़ा YouTube है। अगर मैं कोई भी इवेंट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये नहीं कि मुझे TV में अरे राजा राजा कौन अच्छा राजा को देखना है तो YouTube में देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो YouTube ही चैनल है जो आप कभी भी किसी भी इंसान को कभी भी देख सकते हो आप YouTube में सर्च करके। और बाकी शोज तो चल ही रहे हैं, आईफा किया है, जिमा किया है, अभी मैं टिकट टू बॉलीवुड फिल्म करके आया हूँ, उसकी शूट चल रही है, टिकट टू बॉलीवुड जो इरोज कंपनी उसको कर रहे हैं, पीजे सिंह इनके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर फराद हैदर हैं जो जिन्होंने वार छोना यार बनाई हैं और बहुत सारी अभी फिल्में उन्होंने की है, लंदन ड्रीम्स उन्होंने बनाई हैं, तो अभी उन्हीं की फिल्में टिकट टू बॉलीवुड वो कर रहा हूँ, उसमें मेरे भी 1-2 सॉन्ग जो मैं उसमें मैंने गा चुका हूँ तो उसमें भी आ रहा है। लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस कंपनी के साथ मैं क्योंकि इन कंपनी के जितने भी बंदे हैं बड़े प्यारे हैं और इनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आ रहा है और हैपनिंग और खुश रहते हैं और ऐसे सब यंगस्टर हैं, यंग ही हैं, मैं क्या बोलूँ। हाँ अच्छा मिका वेरी फ्रेंड ऑफ माइंड, मिका पाची मुझे बहुत प्यार करते हैं, हालांकि मेरा इससे पहले जो गाना था वो बाबड़ी भूष, तो उन्हीं की वॉइस का कुछ ऐसा सेक्शन था ओ बाबड़ी भूष बोल बाबड़ी ऐसी हो है, तो मतलब कहने मतलब कि वो उनको सुनाया मैंने, एक्चुअली फ़ैन हो तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से आ जाती हैं, तो ये भी चीज़ है। उनको भी लेकर कोई गाना बनाने का प्लान सोचा? नहीं अभी तक सोचा नहीं मैंने, उनको लेके नहीं, उनकी वॉइस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हरकत करता रहता हूँ, शरारतें करता रहता हूँ, तो वो ऐसा नहीं है हमेशा, उनको बहुत बड़ा दिल है, बड़े दिल वाले हैं वो, तो इंसान जैसे बड़ा हो जाता तो फिर बड़े दिल वाला हो ही जाता है। एक आखिरी सवाल, हाँ नहीं वो वैसे शुरू से वो बड़े दिल के थे। हाँ जी जी, आखिरी सवाल जाते जाते राजा सबू की बात करें तो बहुत दिनों बाद दर्शकों को नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि जरा यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए। अच्छा बहुत दिन के बाद आपका प्रोजेक्ट? नहीं नहीं मेरे रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट तो गाने वाइज तो आया, तो अभी पिछले महीने ही निकल के गया है और ये मेरा यूट्यूब में लॉन्च हो रहा है और काफ़ी रेडियो में भी हमारा ये गाना प्ले होगा और जीतू राज जी से भी मेरी बात हुई है और प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू चालू ही हैं और मैं इन कंपनी के साथ हर आप देख पाएंगे हर महीने मेरा एक नया नया गाना और अतरंगी और कहीं सूफी है तो कहीं रॉक है तो कहीं फ़नी है, तो ये सारा मटेरियल जो भगवान ने मुझे दिया हुआ है तो सो आई एम सो हैप्पी टू मुझे दिया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक स्टार भूल गए हो, आमिर खान, उनका भी एक पैरा है, मैं वो भी गाना चाहता हूँ कि उनके वो उनके जो अंतरे में जो लाइनें आती हैं उनकी फिल्मों की वो कैसी आती है। आमिर जी आप भी ट्वीट कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बुलाइएगा और हो सके तो ये गाना ले भी लीजिए। तो आमिर खान जी कैसे बोल रहे हैं इस गाने में, अरे क्या बात कर रहे यार, कान पक लिए मैंने, हाँ इतना अच्छा गाना यार उतरी बहुत अच्छा था यार, हाँ वो है भी है और सब सुनेंगे भी, अरे जो जीता वही सिकंदर, हमेरा ही प्यार की बंदर, अरे पहला नशा क्यामत तक, अरे दिल है कि मानता नहीं अब तक, सरफरोश बन जाए गुलाम बन जाए, तलाश में तेरी कहीं फना ना हो जाए, दिल चाहता है तू रंग दे बसंती, मैं रंगीला तेरा राजा हिंदुस्तानी, ओ तेरी एक काम करते हैं मेले में पीके कहीं धूम मचाते यार, चल कान नीचे कर ले। ओ खान के जितने फैन सोने हो कल्लो सारे डांस, खान के जितने फैन सोने हो कल्लो सारे डांस, वैपी नंबर है लोग पक्की बात है कि डेफिनेटली मैं डांस करने लगता हूँ तो सब लोग डांस करेंगे जो फैन है। जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। सलमान भाई के साथ मैंने पहले काम किया है और इस बार मैंने उनके लिए सॉन्ग बनाया, बल्कि सलमान भाई के लिए, सैफ अली खान के लिए और शाहरुख भाई के लिए और आमिर भाई के लिए, सब भाइयों के लिए मैंने ये गाना उनको डेडिकेट करा। ये गाना जितने भी हमारे आज के जो टॉप ऑफ जो है अपने खान, ये गाना उनको मैं डेडिकेट करता हूँ
और आई होप आपका रिवर्ड है कि ये गाना कैसा लगा, तो हो सके तो प्लीज़ से इनको शेयर कीजिएगा। शेरनी के मुझे पक्का पता है फराह खान जरूर ले लेंगे इस गाने को क्योंकि उनका ये मटेरियल का गाना है वो डेफिनेटली। चलो सो है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें होंगी। बाकी मैं अपनी टीम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, जो मेरी कंधे हैं, जो मेरी बाजू हैं, जो इस टीम के जो पूरे मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं और प्यारे दोस्त हैं, मैं सबको बुलाना चाहूँगा। राजा सर जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो ये जब पहले आए थे हमारे पास में ये गाना लेकर के, तो हम जब इसका ऑडियो जब सुन रहे थे तो तब पूरी ऑफिस हमारी जो टीम है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये गाने को लेकर के। और फिर हमने साथ में मिलकर के कॉन्सेप्ट बनाया, सोचा कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर जब हमने सर की एक्टिंग देखी तब तो सब क्लीन बोल्ड ही हो गए राजा जी इतना अच्छा एक्ट करते हैं। सो अनडाउटेडली मतलब वीडियो पे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि सर के एक्सप्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, नेचुरल है एकदम। तो वैसे ही बनते बन गया वीडियो। आगे और प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्ड है, दो तीन गाने हैं इनके, पर अभी फ़िलहाल हम वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक वो प्री प्रॉड स्टेज में है। फिर जैसा जैसा ये बन जाएगा इसके बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे। आप क्या कहेंगे सागर? सागर स्टार्ट टू फिनिश जब हम लोग इसके ऊपर जैम कर रहे थे, डीजे अक्स, राजा जी, हम लोग साथ में बैठ के, जिब्रान जी भी साथ में बैठे हुए थे, हम लोग जैम कर रहे थे। इन्होंने गाना कुछ 3 या 4 दिनों में लिख दिया पूरा का पूरा। अच्छा डांसी नंबर लिखा है, तरह तरह के एक्टर्स खान्स को डेडिकेशन किया है, उनकी परफॉर्मेंस की है, बट स्टिल इट्स नॉट हर्टफुल टू एनीबडी, इट्स इन द राइट स्पिरिट। इनफैक्ट इज टॉकिंग, आई थिंक जो इन्होंने ये किया है ये 2 या 3 मिनट में, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अपने आप में। एंड वर्किंग विथ हिम इज़ अ ब्रीज। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सॉन्ग इज़ कि जब ये जाएगा बाहर तब पीपल विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट। इवन जिनकी इन्होंने मतलब यू नो मिमिक्री की है उन्हें भी ये चीज़ अच्छी लगेगी बिकॉज ही इज़ डन इट सो नाइसली, सो राइट। एंड मैं इन दोनों को, डीजे अक्स और राजा जी को, दोनों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। डीजे अक्स जिन्होंने जो बीट्स लगाई हैं इस पर, एक्चुअली डांसेबल नंबर है। राजा जी तो ऑब्वियसली जब ये शूट पे आए थे तो इन्होंने एक दिन में, जो हमारा शेड्यूल था 2 दिन का, इन्होंने एक दिन में ही शूट ख़त्म कर दिया। एंड ऑब्वियसली क्रेडिट टू जिब्रान जी जिन्होंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। एंड आई थिंक द सॉन्ग इज लुकिंग गुड एंड सबको पसंद आए। बाकी ये रहमान की कंपनी को मैं सबसे बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे इन्होंने चूज किया, सेलेक्ट किया है। सागर सर इस कंपनी के ओनर हैं तो अभी सब उनके हाथ में है। जीवन सर जो हैं इन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो आई होप सो हम इस मैं तो ऑलरेडी इन कंपनी का एक हिस्सा बन चुका हूँ, मेम्बर बन चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जीवन सर आपका, और मेरा ब्रदर जो है डीजे अक्स जो अभी दुबई में है किसी काम के सिलसिले में, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो सर सागर साहब का भी मैं सर तहतलों से थैंक्स करता हूँ कि इतना अच्छा वीडियो यहाँ पर लॉन्च करने का मौका मिल रहा है और आप सबका साथ है। जी आप और भी कुछ पूछ सकते हैं? धन्यवाद।